वो जब टेलीविज़न देखते हैं, कार्ड प्ले करते हैं, तब प्लेइंग के साथ वो थोड़ी डिस्कशन भी कर लेते हैं, और जब हॉलीडेज होता है तब तो उनके नेबर के बच्चे भी वहाँ पे, उनके जो चिल्ड्रन है वो भी हबीब सारा और अबू के साथ आके उनके घर आके खेलते हैं और बहुत मज़े करते हैं। एवरीबडी एन्जॉयज टुगेदर, दे प्ले गेम्स, गो आउट एंड एट टाइम्स गो फॉर प्लेस एंड मूवीज। ओके, यानी जब साथ में सब होते हैं, सब साथ में होते हैं तब बहुत ही सब मज़े करते हैं। वो लोग कार्ड खेलते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेम खेलते हैं, और कई बार वो लोग मूवीज़ भी देखते हैं, और इस तरीके से जो उनका टाइम है वो बहुत ही फन के साथ वो स्पेंड करते हैं। Now here some questions are given related to Sara and Habib's family. Question number 1, who all are there in this family? Sara aur Habib ki family mein kaun kaun hai? Answer, Sara, Habib and Habib's abu are there in this family. Okay? जो भी हमने discussion किया, Sara, Habib और उसके father तीनों साथ में रहते हैं। Next one, question number 2, Abu enjoys watching television with the others. So why? So answer, it can be boring to watch television all alone. So Abu enjoys watching television with the others. आपको भी ऐसा कभी कभी फील होता होगा, जब आप अकेले बैठ के टेलीविज़न टीवी देखते हो तो आपको कई बार बोरिंग लगता है, बट अगर कोई साथ में बैठा है तो आप अच्छी तरीके से उसके साथ हंसी मजाक करके टेलीविज़न देख सकते हो। Now third one, how do the family members enjoy? So Sara और Habib की family जो है वो किस तरीके से enjoy करते हैं? So on holidays the neighbors children come to their house and create a lot of fun. जब भी holiday होता है तो neighbors के children वहाँ पे आते हैं और वो बहुत मज़े करते हैं। They play games, go out and at times go for plays and movies. दस फैमिली मेम्बर्स एन्जॉयज अ लॉट। ओके, सो वो एक दूसरे के नेबर के जो चिल्ड्रन वो उनके घर पे आते हैं और वो सब साथ में बैठ के बहुत सारी गेम खेलते हैं, कई बार वो आउटसाइड भी जाते हैं, मूवीज़ देखने भी जाते हैं, और इस तरीके से वो सब एन्जॉय करते हैं। नाउ अनदर फैमिली, नेम ऑफ दिस फैमिली तोताराम। तोताराम लिव्स विद हिज फादर, अंकल एंड कज़िन ब्रदर इन अ कॉलोनी इन मुंबई। जो तोताराम है वो अपने फादर के साथ, उसके अंकल और कजिन वो सब साथ में कहाँ में रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। तोताराम एंड हिज ब्रदर हैव कम टू मुंबई टू स्टडी। ओके, तोताराम और उसका भाई जो है वो स्टडी के लिए मुंबई आए हैं। हिज फादर एंड अंकल वर्क
Now here some question about Totaram's family. How do Totaram's family members keep contact with each other? So Totaram writes letter to his mother. They go to the village once in a year. Thus they keep contact with each other. Okay, Totaram और उनके family भले ही अलग रहते हैं बट वो लोग क्या करते हैं कि वो जो तोताराम उनके मम्मा को लेटर लिखते हैं वो ईयर में वन टाइम वो अपने विलेज में जाते हैं. सो इस तरीके से उनके फैमिली कांटेक्ट में रहती है. और क्वेश्चन नंबर टू, विच मेंबर ऑफ तोताराम्स फैमिली लिव इन द सिटी एंड विच इन द विलेज एंड व्हाई. ओके, सो तोताराम की फैमिली में कौन कौन से मेंबर सिटी में रहते हैं और कौन कौन से विलेज में और ऐसा क्यों. सो तोताराम्स फादर अंकल एंड कजिन ब्रदर लिव इन द सिटी. ओके, तोताराम के फादर अंकल और उनके कजिन ब्रदर वो सब सिटी में रहते हैं. तोताराम्स फादर एंड अंकल वर्क देयर. क्यों रहते हैं वहाँ पे? तोताराम के फादर और अंकल वहाँ पे वर्क करते हैं. तोताराम एंड हिज कजिन ब्रदर स्टडी देयर. तोताराम और उसका कजिन ब्रदर वहाँ पे स्टडी करता है. नेक्स्ट, तोताराम्स मदर दादा दादी चाचा एंड यंगर ब्रदर एंड सिस्टर लिव इन द विलेज. सो ये सारे फैमिली मेंबर जो है तोताराम के फैमिली के कौन कौन से, मदर दादा दादी चाची यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, वो सब कहाँ पे रहते हैं? विलेज में रहते हैं. नाउ नेक्स्ट फैमिली कृष्णा एंड कावेरी. ओके, नेक्स्ट जो फैमिली है वो कृष्णा एंड कावेरी की फैमिली के बारे में दिया है. कृष्णा एंड कावेरी लिव their father in the morning. All the three leave home together. Krishna leaves Kaveri at school and goes to college. The father goes to the shop for the day. यानी कि जो family उसमें total three members है, Krishna, Kaveri and उनके papa. Okay, तीनों morning में एक साथ में ही घर से निकलते हैं. घर से निकलते ही जो Krishna है वो college और उसके पापा वो शॉप पे काम करते हैं तो वो शॉप पे चले जाते हैं. कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम द स्कूल इन द आफ्टरनून. कावेरी आफ्टरनून में घर पे आती है. शी अनलॉक्स द हाउस एंड वेट्स फॉर कृष्णा. वो घर पे आके सब जो लॉक है वो खोल के वो घर में कृष्णा का वेट करती है. ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी ईट फूड टुगेदर. कॉलेज से घर आने के बाद कृष्णा और कावेरी साथ में फूड खाते हैं या तो साथ में अपना जो भी लंच है वो खाते हैं. कावेरी गोज आउट टू प्ले आफ्टर डूइंग हर स्कूल वर्क. ओके, शाम को कावेरी अपना जो स्कूल का होमवर्क वो कंप्लीट करने के बाद खेलने के लिए जाती है. ऑन रिटर्निंग सी आइदर प्लेस कैरम विद हर ब्रदर और वॉचेस टेलीविजन. ओके, कई बार वो कैरम में प्ले करते हैं और कई बार वो टेलीविजन या टीवी भी देखती है. When father returns home, they cook food and then eat together. जब शाम को उनके पापा जॉब शॉप से जब घर आते हैं तब साथ में मिलकर तीनों खाना पकाते हैं और एक ही साथ में बैठ के वो खाते हैं. During vacation, कावेरी goes to stay with her mother. जब वैकेशन होता है तो कावेरी अपने मदर के साथ रहने के लिए जाती है. Krishna also stays there for few days. कृष्णा भी कई बार थोड़े दिनों के लिए मम्मी के साथ रहने जाता है. बट लाइक्स टू स्टे इन हिज होम हाउस. ऑल हिज थिंग्स एंड हिज फादर आर देयर. बट जो कृष्णा है उसको कहाँ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है? उसके खुद के घर पे, यानी कि जहाँ पे वो कावेरी और पापा रहते हैं वो घर पे रहना उसको अच्छा लगता है क्योंकि उनकी सारी थिंग्स भी वहाँ पे ही है और पापा भी वहाँ पे है. मम्मा कोई जॉब या कोई वर्क से वो अलग रहते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे जो है टोटल थ्री मेंबर कृष्णा कावेरी एंड फादर के बारे में दिया गया है. Now here some question about Krishna and Kaveri's family. How does Krishna take care of his sister? So Krishna leaves Kaveri at school before going to college. Krishna college जाने से पहले कावेरी को school पे छोड़ता है. On returning from college, he feeds Kaveri and himself. कॉलेज से लौटने के बाद वो दोनों, वो कृष्णा कॉलेज से आने के बाद कावेरी को भी खिलाता है और वो खुद भी खाता है. Now question number टू, see here, what activities are done together in family? कृष्णा और कावेरी के फैमिली में कौन कौन से एक्टिविटीज साथ में मिलके करते हैं?
सो फादर कृष्णा एंड कावेरी गेट रेडी एंड गो आउट टुगेदर. मॉर्निंग में अभी है हमने पढ़ा कि मॉर्निंग में वो साथ में जॉब या स्टडी के लिए निकलते हैं. दे कुक एंड ईट टुगेदर इन द इवनिंग. और इवनिंग में वो सब साथ में खुद कुक करते हैं फूड और साथ में खाते भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स हैपन इन अ फैमिली. हमारे जो फैमिली होती है उसमें कौन कौन से चीज़ें होती है. फॉलोइंग थिंग्स हैपन इन अ फैमिली, ये सारी चीज़ फैमिली में होती है. सी पीपल लिव टुगेदर इन अ फैमिली, जो फैमिली होती है उसमें सब साथ में रहते. पीपल टेक केयर ऑफ ईच अदर, पीपल ईट टुगेदर, पीपल एन्जॉय वॉचिंग टी वी, प्लेइंग गेम्स एंड गोइंग आउटसाइड टुगेदर. समटाइम अ न्यू मेम्बर कम इन दी फैमिली. नाउ नेक्स्ट, समटाइम अ मेम्बर ऑफ द फैमिली डाइज. ये भी होता है ना, कभी 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 बार हमारे फैमिली में किसी मेम्बर डाई भी हो जाते हैं. नेक्स्ट, एल्डर इन द फैमिली वर्क टू अर्न मनी. हमारे फैमिली में जो एल्डर्स होते हैं वो फैमिली को चलाने के लिए जो पैसे लाने पड़ते सो वो जॉब करके या कहीं से भी मनी अर्न करके लाते हैं. एल्डर्स इन द फैमिली ऑल्सो कुक फूड फॉर द फैमिली मेम्बर्स. फैमिली के एल्डर्स जो होते हैं वो फैमिली के लिए फूड भी कुक करते हैं. चिल्ड्रेन यूजुअली स्टडी, जो चिल्ड्रन होते हैं फैमिली में वो सारे जनरली हम देखते हैं कि उन लोगों का स्टडी चल रहा होता है. सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सबकी फैमिली में होती रहती है. क्वेश्चन नंबर फोर, पुट राइट ऑन दोज सेंटेंसेस विच टेल द वेरियस थिंग दैट हैपन इन द फैमिलीज. यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए हैं, राइट आपको उसी टिक पे सेंटेंस को लगाना है जो थिंग हमारे फैमिली में होती है. मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफन रिजेंबल ईच अदर, रिजेंबल यानी एक दूसरे के जैसा दिखना. सो हमारे फैमिली में जनरली हम कोई बच्चा है वो मम्मी के जैसा दिखता है, पापा के जैसा दिखता है. सो यहाँ पे आपको राइट करना है. द फैमिली मेम्बर लव ईच अदर वेरी मच, सो दिस ऑल्सो राइट बिकॉज हम फैमिली में एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं. वन बिकम अ पार्ट ऑफ फैमिली बाई बींग बॉर्न और गेटिंग मैरिड इन टू द फैमिली. यानी कि हमें फैमिली का सदस्य बनने के लिए या तो हमें वो फैमिली में बॉर्न करना पड़ता है या तो जब आप मैरिज करते जाते हो तब भी आप वो फैमिली का पार्ट हो जाते हो. फैमिली मेंबर ओपन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, जो फैमिली मेंबर होते हैं वो सब कहाँ पे रहते हैं, सो एक ही हाउस में वो रहते हैं. नेक्स्ट वन, एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली, जो फैमिली के एल्डर्स होते हैं वो फैमिली के लिए मनी अर्न करते हैं, पैसे कमा के लाते हैं. फैमिली मेंबर्स स्टे टुगेदर इवन इफ देयर इज अ फाइट अमंगस्ट देमसेल्फ. यानी कि अगर फैमिली के सदस्यों में कहीं किसी के साथ फाइट हो जाती है फिर भी फैमिली मेंबर्स है वो साथ में ही रहते हैं. इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड ओल्ड आर टेकन केयर ऑफ. ओके, सो फैमिली जो है उसमें जो चिल्ड्रन होते हैं वो और ओल्ड लोग को होते हैं, जो ज़्यादा हमारे दादा दादी है वो और चिल्ड्रन उनकी सब देखभाल करते हैं. सो यहाँ पे आपको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग भी आप राइट टिक मार्क कर सकते हो. जनरली ये सारे थिंग्स जो दी है वो सबकी फैमिली में होती ही होगी. सो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग राइट टिक मार्क लगाना है. Now here question number 5, think of some other things about your family and write in the space provided. Okay, so यहाँ पे family के बाद आपको खुद की family के लिए कुछ लिखने की यहाँ जगह दी है. So male member usually work to earn money, female member usually do household work. So ये common sentences है जो सब लिख सकते हैं क्योंकि सबके family में जो male members होंगे वो सब मनी करने के लिए जाते हैं, वो मनी कमा के लाते हैं, जबकि फीमेल मेंबर्स जो होते हैं वो हाउस होल्ड वर्क करते हैं. सो दिस होल एक्सरसाइज यू हैव टू राइट डाउन इन योर ईवीएस नोटबुक.